हेलो दोस्तों, चलिए आज ज़्यादा कुछ तो नहीं मैं कहूँगा, बस एक बेसिक चीज़ आपको बताने आया हूँ कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आज आपका तरीका बदल जाएगा। अगर मेरे हिसाब से करेंगे तो शायद आपको एक क्वेश्चन करने में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप अगर करते होंगे तो आपको 10 से 20 सेकेंड लगता होगा आंसर बताने में। और जो लोग मुझसे पहले से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए, मैं क्विज की प्रैक्टिस भी कराता हूँ, फ्री क्विज का मैं दे दूंगा। फ्री क्विज डेली आपको उस चैनल पर मिलता है और वो एसएससी से रिलेटेड है, एसएससी बैंकिंग रेलवे से रिलेटेड है, खासकर मेजरली एसएससी और रेलवे से रिलेटेड है। और एक दूसरा चैनल का लिंक दे दूंगा जिसपे कि आपको एग्जाम के बराबर आपके ओवरऑल की एग्जाम में क्या क्या अपडेट चाहिए, क्या ओवरऑल चीजें जरूरत होती हैं उसके बारे में अपडेट मिलता रहता है और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है उस चैनल पे। प्लस दूसरी चीज उस पर सबसे अच्छी क्या, अभी वैकेंसी की जो डिटेल चल रही है, जैसा कि मैंने आज ही डाला है कि 10,000 से ज्यादा वैकेंसी आने, 8,000 से ज्यादा आ चुकी है और 15,000 से ज्यादा आने की संभावना है 2024 में। तो एक आइडिया मैं आपको देता हूँ, 2x पे वीडियो को देख लीजिएगा या 1.5 पे देख लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ। तो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और उसी तैयारी के मद्देनजर, माफ कीजिएगा पानी पीने लगा था मैं, उसी तैयारी के मद्देनजर मैं एक बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि किसी तरह पीपीवाईपी को कैसे करें, ठीक है, प्रीवियस ईयर को कैसे करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, ठीक है, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज में से कौन सी नहीं है। अब ये क्वेश्चन आया तो हम लोग करते क्या है, माही आंसर मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे कि भाई माही, अगली बार क्या यही सेम क्वेश्चन आता है? नहीं, अगली बार अब इसमें से बहुत सारी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए पहली चीज मैं बताता हूँ गोदावरी रिवर के बारे में। तो गोदावरी रिवर कहाँ पे है, एक बार मैप में मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा, जिससे ताकि आप चीजों को ज्यादा अच्छे से कवर कर सकें। क्योंकि होता क्या है ना, जब मैप में आपको चीजें दिखती हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। तो वो चीजें मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखे, ठीक है। ये इंडिया का मैं मैप बना रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझेंगे इस चीज को। और देखिए यहाँ पे कहीं महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है नासिक। नासिक डिस्ट्रिक्ट जो है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है, नासिक में क्या है, डिस्ट्रिक्ट है एक, नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, जो कि जिसे आपको वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, वाइन कैपिटल क्योंकि वाइन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया ये भी बोला जाता था। कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक त्रिंबकेश्वर की पहाड़ी है, त्रिंबकेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे ही एक ज्योतिर्लिंग भी है, महादेव का ज्योतिर्लिंग भी है। यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ गई। अब आते हैं गोदावरी रिवर पे, नोट आप करते रहिएगा जिसको जरूरत है, ठीक है। अब गोदावरी रिवर निकली यहाँ से, मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि ये गोदावरी रिवर आप इस लाइन को मान लीजिए। अब यहाँ से चली कहाँ से, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से गई कहाँ, तेलंगाना में, तेलंगाना से कहाँ गई, आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके गिर गई, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर गई। अब आप देखिएगा एक क्वेश्चन को क्यों इतना टाइम लगता है, क्या क्या चीजें हमें जाननी होंगी। हमें पहली चीज इसमें से क्या पता चल गई कि गोदावरी रिवर कहाँ पे है, नासिक से, कहाँ से उद्गम होती है, नासिक से होती है, वहां पे क्या है, ज्योतिर्लिंग है वहां पे, और चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो इन चीजों से आप अवगत हो गए। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट की, गोदावरी किस किस स्टेट से जाती है और किस जगह पे जाके वो गिरती है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। और यहां से एक चीज आपको क्या पता चला कि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब कुछ चीजें और जान लीजिए, इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। दूसरा इसे बोला जाता है वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा मतलब बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। ये चीजें जान लीजिए, कुछ पॉइंट आपको मिल गया। दूसरी, ये 1465 किलोमीटर की डिस्टेंस तकरीबन कवर करती है। प्लस एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है, और ये फर्स्ट हाईएस्ट मतलब सबसे लंबी रिवर है साउथ इंडिया की, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको एटलीस्ट कवर हो गई यहां से, ठीक है। अब क्यों मैं इन चीजों पे इतना फोकस आपको दे रहा हूं इसलिए आप समझिएगा, ठीक है। बेसिकली मैं चाहता तो यहाँ पे आपको बताता आंसर चला जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको मुझे ये नहीं बताना, यहाँ पे ये बताना है कि कैसे पीवाईपी को करें, ठीक है। ये आपको कोई भी बता के चला जाएगा, बहुत सारे यूट्यूब पे बताने वाले हैं इस तरह से। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे। इंपॉर्टेंट में क्या आता है कि इस रिवर के बारे में तो आप जान लिए, लेकिन अब यहां से कुछ चीजें और भी यहां पे उठानी होंगी कि देखिए
एक ये जो रिवर है मान लीजिए गोदावरी, अब यहाँ पे क्या हुआ, पूर्णा मिली इससे, मान लीजिए पूर्णा मिली, पूर्णा करीब औरंगाबाद जिले में निकलती है, एलोरा जो केव है ना, एलोरा वहां से, एलोरा केव के पास से निकलती है, तो ये मान लीजिए यहाँ कहीं मिली। उसके बाद एक मंजीरा की बात करूँ तो मंजीरा यहाँ पे इसकी राइट बैंक में आती है, मंजीरा, मंजीरा यहाँ पे आके मिली, ठीक है। अब यहाँ से मंजीरा क्लियर हो गया, पूर्णिया। और प्राणहिता कहाँ है, प्राणहिता क्या होता है ना, ये दो रिवर का मेल है, यहाँ पे आती है एक वेन गंगा, वेन गंगा, और यहाँ पे आती है वर्धा, वर्धा। दो रिवर जब मिलती हैं तो इस रिवर को बोलते हैं प्राणहिता, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। और यहां से एक रिवर आती है, इसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में जब रहती है तो यहाँ पे एक बांध है, इस पे चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट जो बांध नहीं है, फॉल है, चित्रकूट फॉल को ही नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। नाइग्रा फॉल आपको पता है कहाँ है, फॉल ऑफ इंडिया। और एक्चुअली में नाइग्रा फॉल कहाँ है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे नाइग्रा फॉल है। तो ये चीजें आपको यहाँ से कवर हो गई। अब यहाँ से एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है माही रिवर के बारे में। माही रिवर क्या है, माही रिवर एमपी से निकलती है, ये जान लीजिए, राजस्थान से होते हुए गुजरात में जाती है, और गुजरात में अरबियन सी में जाके अपना विसर्जन हो जाती है, अरबियन सी में। तो बेसिकली जब ये महाराष्ट्र में जाती ही नहीं है, ना ही महाराष्ट्र में जाती है, ना ही तेलंगाना में जाती है, ना ही आंध्र प्रदेश में, तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी होने की कोई संभावना ही नहीं है। जब इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, एक क्वेश्चन को करने में आप लगाएंगे 4 से 5 मिनट, तब जाके क्वेश्चंस इंप्रूवमेंट होते हैं, ज्यादा चीजें सीखते हैं आप। तो आप, आई होप कि आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट समझ में आ रही होंगी और इसको आगे से आप करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट ऑफ 26 जनवरी, क्या सिग्निफिकेंट है 24 जनवरी का, इस चीज को छोड़ के कि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को हम लोग अडॉप्ट किए थे, ठीक है। अब इसको और क्या इंपॉर्टेंस देता है, तो देखिए आंसर तो इसका साफ साफ है, डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज। अब डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज कब हुआ, 26 जनवरी 1930, ठीक है, 1930 क्यों हुआ, लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 वाला, उसमें ये नेहरू जो थे वो पूर्ण स्वराज की मांग बोल दिए थे कि भाई पूर्ण स्वराज होगा। उसका भी एक रीजन था, उसका बैकग्राउंड रीजन था कि भगत सिंह जो थे उस समय तक बहुत ज्यादा मतलब डेडिकेटली इस चीज पे चले गए थे, और जनता इनके साथ बहुत ज्यादा थी। जनता जब इनके साथ थी तो इन कांग्रेस को लगा क्या कि अगर अगर हम अभी पूर्ण स्वराज की बात नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत आएगा, ठीक है। दिक्कत क्या आएगी कि आने वाले समय में जनता हमें उस तरह से नहीं देखेगी। तो पूर्ण स्वराज का इसी दिन पे उन्होंने डिक्लेरेशन किया था लाहौर सेशन में, इस दिन झंडा फहराया था और लाहौर सेशन में इसका डिक्लेरेशन किया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है इसमें रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। रिवॉल्यूशन 1857 क्यों इंपॉर्टेंट है और कब हुआ था, तो कुछ डेट इसमें जरूर इंपॉर्टेंट होगा आई होप। तो देखिए रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ, 10 मई को, कहां से शुरू हुआ, मेरठ से, ये इंपॉर्टेंट है। ईयर आपको यहां पे दिया है तो ईयर मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का देखिए फाउंडेशन डे कब है, ये बेसिकली 1885 में हुआ था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पहली चीज मैं बता देता हूँ। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो इंडियन नेशनल का फाउंडेशन हुआ था वो 28 दिसंबर को हुआ था, कहाँ हुआ था। इसमें तीसरा चीज इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे में, बॉम्बे में। चौथा इसमें इंपॉर्टेंट है, कितने डेलीगेट्स थे, तो 72 डेलीगेट्स थे, ठीक है। अब इसमें पांचवा चीज इंपॉर्टेंट क्या था कि पहला सेशन कहाँ हुआ, पहला सेशन कहाँ हुआ, एक चीज उसका भी हिस्ट्री में बता दे रहा हूँ, होना था पुणे में लेकिन वहां पे फैला क्या था, प्लेग। आपको पता होगा एक प्लेग कमिश्नर वाली हत्या जो हुई थी चापेकर बंधु द्वारा, वो वाली भी बात है, एक्चुअली रिवॉल्यूशनरी कांड था वो, ठीक है। वहां की वजह से वहां से टाल के बॉम्बे में कर दिया गया। अब बॉम्बे में जब किया गया तो बॉम्बे में 72 डेलीगेट्स थे, और पहले जो चेयरमैन थे, जो भी प्रेसिडेंट थे, वो थे WC बनर्जी, बनर्जी, ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। अब यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं इसलिए ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और किस जगह पे हुआ था पहला, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो संस्कृत कॉलेज में गोकुल दास में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप कि क्लियरिटी मिल गई होगी यहाँ पे। अब आते हैं डे ऑफ चंपारण। डे ऑफ चंपारण क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार ये भी पूछा जा चुका है, तो लेकिन इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 अप्रैल को हुआ था शुरू, मई तक चला था, कब, 1917 में।
अब इसकी एक पीछे की कहानी क्या है कि 1916 में जब BHU में गांधी जी गए थे तो उस समय बहुत कम लोग उनको जानते थे कि पहला जो भीड़ का वो सम्मिलित हुए थे ना वो BHU में हुए थे 1916 में। ये भी क्वेश्चन UPSC के EPFO में आ चुका है, ठीक है, कि पहली बार गांधी जी ने भीड़ को कब संबोधन किया था, तो 1916 में BHU में किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब राजेंद्र प्रसाद प्रसाद आए और AN सिन्हा ने आए तो इनसे बोले कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे इस चंपारण में ये समस्या चल रही थी इनकठिया वाली, ठीक है, तो आपको चलना होगा। और गांधी जी साउथ अफ्रीका में काफी पॉपुलरिटी पा चुके थे। अब ये चंपारण कहाँ है? चंपारण एक जिला है बिहार का, जो यूपी बिहार से उनको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये गए 1917 में गए और यहाँ पे तीन खटिया सिस्टम से इजाद लगाए, और ये पहला मूवमेंट था जिसे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीजें याद रख लीजिएगा 1917 में गांधी जी थे। अब इसमें कुछ प्रमुख लोग कौन कौन से थे? तो एक थे राजेंद्र प्रसाद, आपको पता होगा पहले हमारे प्रेसिडेंट भी हैं राजेंद्र प्रसाद। दूसरे हमारे इंपॉर्टेंट, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऊपर थोड़ा सा, दूसरे हमारे हैं AN सिन्हा, ठीक है। तीसरे हमारे इंपॉर्टेंट हैं JB कृपलानी। मैं तीन नाम लिख रहा हूं, है तो बहुत लोग और लाने, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आप देख रहे हैं ना, दो क्वेश्चन हम लोग किए हैं, कितना टाइम हम लोग ले लिए हैं। ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ अकबर द लैंड की स्लैंड को बोला जाता था, जो कि 3 से 4 साल तक छोड़ दिया जाता था, तो वो था चचर। चचर देखिए इंपॉर्टेंट है, इससे ये याद रख लीजिएगा। अब देखिए मैं कुछ चीजें बेसिक से बताता हूँ। परौती, परौती मतलब परती टाइप का आप एक वर्ड सुने होंगे, अपने साइड बोला जाता था, कहाँ पे? यूपी बिहार में, ठीक है, यूपी बिहार में परती बोला जाता है, सुने होंगे, बहुत जगह पर और भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि परती का मतलब है 1-2 साल के लिए छोड़ दो, 1-2 साल के लिए लैंड को छोड़ दो, वो फर्टिलिटी गेन कर लेगा, गेन कर लेगा, फिर उसमें आप लोग इसको करेंगे आगे, उसमें फिर से बीज उज उत्पन्न करेंगे। पोलस क्या होता है? बहुत ज्यादा, ऑलवेज, मतलब हमेशा इसमें आप खेती कर सकते हैं। और बंजर क्या होता है? जिसमें कभी नहीं, नेवर। तो ये थोड़ा सा छोटा था, लेकिन एटलीस्ट ये क्वेश्चन जान लीजिए कि अकबर के टाइम पे ये चार पैटर्न थे, कैसे कैसे इसमें होता था। तो परती 1-2 साल के लिए था, चचर जो था वो 3 से 4 साल के लिए था, पोलत में हमेशा खेती होती थी और बंजर में कभी नहीं होती थी। तो एटलीस्ट आप देख रहे हैं, कभी भी इस पे भी कुछ पोजर पे आ गया, पोलच पे आ गया, या परौती पे आ गया, या फिर बंजर पे आ गया, तो ये चीजें आपको मतलब क्लियर होंगी कि हाँ भाई इस पे ये चीजें करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। आरजी भटनागर वॉज अ पॉपुलर लीडर ऑफ विच रिफॉर्मर सोसाइटी। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि आरजी भटनागर किससे रिलेटेड थे? प्रार्थना समाज से। आप आंसर किए, आगे बढ़ गए, बट इससे तो काम होगा नहीं, क्योंकि इससे तो आपका आगे का क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए चलिए बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज कब बना? 1867 में। कौन थे? आत्माराम पांडुरंगन। आत्माराम पांडुरंगन, ठीक है, तो याद रखिएगा 1867 में खुले, और भी लोग थे लेकिन इंपॉर्टेंट में आत्माराम पांडुरंगर याद रखिएगा। दूसरी चीज, अब आते हैं आर्य समाज पे। आर्य समाज क्यों मैं बोल रहा हूँ? आर्य समाज 1875 में खुला दयानंद सरस्वती द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्यों खोला? बहुत सारी चीजें थी इसमें, और इन्होंने एक चीज और उस समय दिया था, बैक टू वेदास। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि बैक टू वेदास किस उसमें दिया गया था। अब आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी करीब नवंबर में 1875 में खुला। कौन खुला? हेलिना, हेलिना ब्लावस्की, ब्लावस्की, कुछ थोड़ा सा रशियन वुमेन है तो वहां का प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, ये रशियन वुमेन थी, ठीक है। और इन्होंने खोला कहां पे? न्यूयॉर्क में। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि इंडिया में इसको किसने चलाया? आप बहुत ज्यादा नाम सुने होंगे, वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट भी थी, ठीक है, पहली वो वुमेन प्रेसिडेंट भी थी कांग्रेस की, ऑफ कांग्रेस। तो इंडिया में किसने चलाया, ये चीज आपको बतानी होगी, ठीक है। न्यूयॉर्क में चलाए, और ये हो गया क्लियर, ठीक है। कब हुआ था? 1875 में। ये हुआ कब? 1867 में। ये कब हुआ? 1875। अब आते हैं ब्रह्मो समाज पे। ब्रह्मो समाज बेसिकली अगस्त में हुआ था, 20 अगस्त को 1828। इसको किसने फाउंडर कौन थे इसके? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है, रोहन रॉय। अब इनको राजा की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी। अकबर कौन सा? द्वितीय।
अकबर दीति ने क्यों दी ये, जब आप जा रहे थे विदेश ब्रिटेन, तो अकबर ने अपना कुछ रियायत के लिए कि भाई मेरा पेंशन उन्शन थोड़ा बढ़ा दो, तो थोड़ा सा भिखारियों टाइप का उसने वहाँ पे चीज़ें रिप्रेजेंट की राजा राम मोहन के पास। और उस समय पे इस तरह से इसको याद रखिएगा कि जब अपने थोड़ा सा आदमी डाउन होता है तो सामने वाला राजा ही दिखता है, तो इसलिए उनको राजा जैसा नाम दे दिया, ऐसे याद रखिएगा आप। वैसे बहुत सारे रीज़न थे इनको राजा नाम देने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े रिफॉर्मर थे। ठीक है, तो इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। और ब्रह्मो समाज का क्या मानना था कि मोनोथिस्ट मतलब कि एक गॉड, मोनो मतलब एक और गॉड एक गॉड को मानने वाले। ठीक है, तो ये चीजें हुई। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग यूट्यूब जो लोग टेलीग्राम से मुझसे नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़िए, क्योंकि वहां पे मैं बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराता रहता हूँ, क्विज कराता रहता हूँ डेली, और नोट्स और करंट अफेयर वहां पर मैं डेली प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद।